हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैं आपको एक मीठी डिश बताने जा रही हूँ जो है गुजिया। क्योंकि होली आने वाली है तो इन दिनों में गुजिया का ज़्यादा महत्व होता है। आज मैं आपको दो तरह की गुजिया बनाना सिखाऊंगी। स्टफिंग एक ही होगी, वो हम एक बार बनाएंगे, और उसको मतलब एक होती है शुगर सिरप वाली और एक होती है प्लेन। तो मैं आपको दोनों बनाना सिखाऊंगी एक ही स्टफिंग से। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है। इसे हम छान के 2 कप आप बोल दीजिए, और नाप के ले रहे हैं तो आप 300 ग्राम लीजिए। 2 कप का तकरीबन 300 ग्राम ही हो जाता है। मैंने ये 100 ग्राम घी लिया है मोहन के लिए। इसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है। इस आटे के अंदर मैंने एक चुटकी नमक डाला था, जिससे इसका स्वाद जो है और भी बढ़ के आता है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा मोन परफेक्ट है कि नहीं। तो वो आपको चेक करने का तरीका बताती हूँ। आप ये देखिए, मुट्ठी बांधेंगे तो इसमें क्रैक नहीं पड़ना चाहिए, मुट्ठी हमारी ऐसे ही रहनी चाहिए। अब इसको हमें पूरी की तरह एक डो तैयार करना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम भी ना हो और ज्यादा सख्त भी ना हो। जिस तरह पूरी का आटा होता है उस तरह हम लोग तैयार करेंगे। अब इसके मारने के लिए हमारे को गर्म पानी मैंने लिया है, वार्म वाटर, और हमारे को जैसे जरूरत पड़ेगी हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमने इसमें घी का मोन लगाया है तो हमारे को उसके लिए इसका डो तैयार करने के लिए हमारे को वार्म वाटर लेना पड़ेगा। अगर हम ठंडे पानी से इसको डो तैयार करेंगे तो वो घी जो है इसमें जम जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, कभी भी अगर आप ये कर रहे हैं तो इसके लिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें डो तैयार करने के लिए। ज़्यादा हम इसे मलेंगे नहीं, बस हम इसको ऐसे ही बिल्कुल प्लेन चिकना नहीं करेंगे, इसी तरह का करके हम इसको रख देंगे ताकि इसके अंदर हमारे को थोड़ी लेयर दिखे। थोड़ा सा कपड़े को गीला करके हम इसको ढक देंगे ताकि हमारा ये जो डो है वो सूखे नहीं। अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है और ये देसी घी डाल दिया है एक करछी। अपने ये जो है हमारे ड्राई फ्रूट, इसके अंदर हम थोड़ा इनको भूनेंगे। थोड़े मैंने इसमें काजू डाले हैं, पिस्ता डाला है और थोड़े से बादाम डाले हैं, और ये डाली है मैंने चिरौंजी, जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इन चीजों में। अपनी ये चीजें जो है अपने ड्राई फ्रूट को निकाल लेंगे, बस हमें इतना ही इनको भूनना है। बस एक तरह से इनका मॉइस्चर अलग करना था। अब इसी के अंदर अपना हम ये कोकोनट भी कर लेंगे। मैंने ये कोकोनट को कद्दूकस किया है, आप चाहें तो इसमें जो बाजार में कोकोनट का चूरा मिलता है आप वो भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पे हम अपना ही कोकोनट निकाल लेंगे। अब इसी टाइम पे हम अपनी ये जो एक कड़छी मैंने सूजी ली है, बड़ी कड़छी, इसको भी हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हम दोनों तरह की गुजिया बना सकते हैं, एक शुगर सिरप वाली और एक सूखी। आपका मन है, आप जैसी मर्जी बना के आप खा सकते हैं। ये इसी एक ही स्टफिंग से और इसी दो से दोनों ही गुजिया तैयार हो जाएंगी। चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, और हमारी सूजी भी तकरीबन भुन ही गई है। अब इसको भी हम निकाल देते हैं। ये मैं 150 ग्राम खोआ ले रहे हैं, और हम इसको भी सही तरीके से थोड़ा इसको भून लेंगे। हमें थोड़ा अच्छी तरह भूनना है, और फिर इसी के अंदर हम लोग ये सारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं और जो सूजी है, ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी बनके। खोआ हमारा भून गया है मावा अच्छी तरह। अब हम इसको गैस को बंद करते हैं
और इसके अंदर और ये अपनी स्टफिंग को तैयार करते हैं। ये हमारा खोआ है, ये हमारी कोकोनट है और ये हमारे हैं मिक्स ड्राई फ्रूट। अब इसके अंदर हम इन तीनों सब चीजों को मिला के और ये मैंने चीनी पीस ली है, ये हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। कितनी सूखी और कितनी बढ़िया हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है। हमने सारी चीजें इसमें रोस्ट करके डाली हैं। मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ। ये हमारी बन गई है, इसके अंदर काफी ज्यादा ये स्टफिंग है और हमारी गुजिया अगर कम बनेंगी, हम ये करते हैं कि इसमें चलो स्टफिंग को हम उठा के रख देते हैं, ये हमारे बाद में भी काम आ सकती है क्योंकि इसको हमने रोस्ट करके डाला है। जितनी गुजिया बनानी है हम बनाएंगे, जितनी हमारी बनेंगी उस डो में, जो अगर स्टफिंग बचेगी हम उसको पैक करके फ्रीजर में रख देंगे, वो हमारी ठीक रहेगी, फिर हम कभी बाद में बनाएंगे। चलिए अब हम अपने डो को देखते हैं कि वो कैसा है। हाँ देखिए बिल्कुल ठीक हमारा डो है। अब हम इसकी एक पेड़ा लेते हैं और उसको इस तरह, मैंने अपना काउंटर अच्छी तरह साफ कर रखा है, ये देखिए। अब ऐसे रोल बना के और हम इस तरह छोटे छोटे ये काट लेंगे। ज्यादा पतली भी नहीं करनी है और ज्यादा मोटी भी नहीं करनी है। ये हम अपनी स्टफिंग इसमें डालेंगे, करीबन 1.5 चम्मच, और इसके चारों तरफ हम इसमें पानी लगा देंगे। अच्छी तरह इसको दबाएंगे, जितना भी ये साइड का जो है वेस्ट हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं और ये स्टफिंग जो है हमारी बच गई है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, इस टूर में जितनी बनेंगी डो के अंदर जितनी बनेंगी हम बनाएंगे, बाकी का हम उठा के रख देंगे, फिर कभी भी हमको जरूरत पड़े या हमारा दिल करे खाने का तो हम इसको फिर से गुजिया बना के खा सकते हैं। अभी हम इनके तलने की तैयारी करते हैं, इनको हम डीप फ्राई करेंगे। हमारा तेल तलने के लिए तैयार है। अब हम इसके अंदर अपनी गुजिया एक एक करके डालते हैं। गैस को हम सिम ही रखेंगे। एक बार में हम इतने ही डालेंगे, गैस को सिम ही रखेंगे, तेज हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये आराम से धीरे धीरे स्लो आंच पे सिकेंगी। अब देखिए बिल्कुल आराम से स्लो पे सिक रही है, हम इसको उलट पलट कर चारों तरफ से ही सिकेंगे। अब इनका थोड़ी देर में कलर चेंज होने लगेगा। अब देखिए हमारी थोड़ी थोड़ी तो तैयार हो गई है, ब्राउन कलर आ गया है। अब बस थोड़ा हम इसको और रखेंगे। देखिए तकरीबन हमारी गुजिया का कलर ब्राउन हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये मैंने दोनों प्रकार के गुजिया बना दिए हैं, जो सूजी मावा गुजिया जिसे बोलते हैं, ये है मेरे गुजे जो विदाउट शुगर सिरप के हैं और ये है मेरी गुजिया
जो शुगर सिरप की है। आप देखिए दोनों में कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है गुजिया की, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।